यस गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपका जफरनामा एकांगी काल सार हो गया सी? रहिंदा सी हले एंडिंग हो दी, ठीक है। उस तो बाद विच आपा करांगे डॉक्टर हरचरण सिंह दे बारे विच, ठीक है। जफरनामा एकांगी दा जिहड़ा तुहानू मैम ने क्वेश्चन आंसर करवाए ने उही वाले करवाने सी मैं भी, तो मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करांगी। और पहला भी तुहानू याद होवे तां वन वर्ड भेजियो सी 35 एने ना, तो तुहाडे काफी क्वेश्चन इहदे विचों बन गए। फिर भी अगर थॉरली मैं देखांगी, अगर मैनूं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलिया जिहड़ा तुसीं नहीं कीता होया उह मैं तुहानू लिखवा देवांगी, ठीक है। सो आपां कल कित्थों तक कीता सी? जदों शाही हकीम आ जांदा है अस्त खान, हांजी शाही हकीम आंदा है, शाही हकीम नूं कहिंदा है कि तूं पहला दवाई जिहड़ी है पहला खुद खा के दिखा, उह ते यकीन नहीं करदा, ठीक है। उस तों बाद विच औरंगजेब दवाई ले लैंदा है, फिर शाही हकीम चला जाता है। उस तो बाद एंट्री के दी हुंदी है अलस खान दी, अलस खान उन्हों कहंदा है कि तुसी इन्ने ज्यादा परेशान क्यों हो। फिर अलस खान नूं वो दसदा है औरंगजेब के किस तरह किन्ने झूठिया कसमां खादिया सी किहदे नाम ते, औरंगजेब दे नाम ते। औरंगजेब ने नो डाउट वो मतलब कि उन्हें बहुत सारे जुल्म किए सन, पर उन्हें इन्ना नहीं सी पता कि वजीर खान ने छोटे साहबजादियां नूं कित्थे नीहां विच चिणवा देना, ठीक है। उन्हें इदां लगदा सी उन्हें सिर्फ क्या सीगा कि उन्हां तों धर्म परिवर्तन करवा ला इस्लाम वो कबूल लैण, ठीक है। पर वजीर खान ने औरंगजेब दे बिना कहण तों ही उन्हां नूं नीहां विच चिणवा दित्ता सी, ठीक है। ते औरंगजेब ने किस दे कतल दा हुक्म दित्ता सी? श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता सन, ते सिखां दे किन्ने गुरु सन? नौवें गुरु, ठीक है। उस तो बाद वो कहिंदा है कि भाई दया सिंह दा खत, गुरु गोबिंद सिंह जी दा खत आया किहदे हत्थों आया? भाई दया सिंह दे। ते किन्नवां खत सी उह? दूसरा, ठीक है। ते वो कहिंदे कि तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं चिट्ठी लिखो, अपने इदां दे दो भरोसेयोग व्यक्तियों नूं भेजो। भरोसेयोग व्यक्ति किहड़े सन? मीर मुंशी, ठीक है। वो कहिंदा कि तुसी उहदे हत्थ भेजो, ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं किथे मिलण लिखो? मालवे दे कांगड़ नगर विच मिलण लिखो, ठीक है। पर गुरु गोबिंद सिंह जी मिलण लई तैयार नहीं सन औरंगजेब नूं, ठीक है। ते ओ फिर उहनूं कहिंदा है कि मैं बहुत ज्यादा इस टाइम ते दुखी हाँ, मैनूं बहुत ज्यादा अपने किते हुए गुनाहां ते पछतावा है। अस्त खान चला जांदा। उस तों बाद विच जीनत आउंदी है, जीनत उहनूं फोर्स करदी है कि तुहाडी तबीयत इन्नी ज्यादा खराब क्यों होगी, तुसीं मेरे तों कुछ छुपा रहे हो, मैं तुहाडी बहुत ज्यादा प्यारी बेटी हाँ, क्योंकि औरंगजेब सब तों वध प्यार जीनत नूं करदा सी, ठीक है, ते उस ते ही भरोसा करदा सी। फिर वो जीनत नूं भी दसदा है, ते जीनत इस गल नूं सुण के बहुत ज्यादा दुखी हुंदी है, क्योंकि उहने अपने पिता तों बिल्कुल उम्मीद नहीं कीती हुंदी सी कि उहदे पिता इन्ना जुल्म भी कर सकणगे। फिर वो कहिंदा जीनत अपने पिता नूं कहिंदी है कि तुसीं परमात्मा तों डरदे हो या प्यार करदे हो? हाँ, वो परमात्मा तो उन्होंने कहा कि तुसी परमात्मा तो डरदे हो पर प्यार नहीं करदे, जे प्यार करदे हुंदे फिर तुसी छोटे छोटे मासूम बच्चों नूं ऐनी बेदर्दी दे नाल ना मारदे, ठीक है ना। जे तुसी परमात्मा नाल प्यार करदे तो फिर सारे इंसानां नूं तुसी इक्को जिहा समझदे, पर तुसी परमात्मा तो सिर्फ डरदे हो, ठीक है। डरदे मारे ही वो एक नमाज दा वक्त हो जांदा है, केड़ी नमाज? फजर दी नमाज दा वक्त हो जांदा है, ते उहनूं कहिंदा कि मैनूं मस्जिद विच लैके जा तां कि थोड़ा जिहा मैनूं सुकून मिले। एंड ते उह पछतावा करदा है, ठीक है। ते एकांगी दा अंत किद्दां दा आ? दुख भरिया भी कह सकदे आ, होर उहनूं आपणे कीते ते रिलाइज भी तां हुंदा ना, पछतावा भी हुंदा आ, फिर किद्दां दा होएगा? आशावादी? आशावादी नहीं, आशावादी तो हुंदा जिथे तुहानूं कोई उम्मीद होवे, दुख भरिया आ, ठीक है। सो ए सी बेटा एकांगी बारे। ओके शॉर्ट क्वेश्चन आपां कल दे नाल नाल वैसे कर रहे हां जिहड़े कॉमन जे सी। एक क्वेश्चन है कि जीनत दे इलावा परमात्मा दे हक विच या गुरु गोबिंद सिंह जी दे हक विच कौन बोलदा है? शहजादा मुअज्जम, ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਹੈ
औरंगजेब की किन्नी पत्नी है? तीसरी, अकबर बेगम उदयपुरी का पुत्र सी? नो, बेगम उदयपुरी के किन्ने बच्चे सन? बच्चे किन्ने सन? दो, एक कामबख्श ते दूसरा जीनत उन्निसा। ठीक है, तो हो ना पा करते हैं बेटा एकांगीकार बारे। हरचरण सिंह का जन्म कदों ते किथे होया? 10 दिसंबर 1914 नो। ठीक है, किथे होया? शेखुपुरा। जो के किथे है? पाकिस्तान में। देखो इतने पूरा लिखा हुआ है चक नंबर 576। तो चक आपका कितना थे ना, इलाका भी है। ठीक है, चक नंबर 576 ते भी कर लो नाल ही। ठीक है, कदों ते किथे? अगे माता पिता। माता अते पिता, एक केड़ा समासी शब्द है? माता अते पिता समानार्थक नहीं है, विरोधी विरोधी पिन पिन भी नहीं है। माता अते पिता, माता का नाम है श्रीमती रखी। ऐदा ही नाम होंगे सी पहला पहला। अगे पिता का नाम कृपा सिंह। लिख रहे हो क्यों? आधे घंटे बाद लिख ले। अगे क्यों नहीं लिख रहे हो? बाकी सारे देखो लिख रहे हैं। नेक्स्ट, इना दी स्टडी। ठीक है, पहला ए वाला हो गया जन्म, दूसरा माता पिता, तो तीसरा पॉइंट बना लो पढ़ाई। पढ़ाई इन्होंने एमए की दो विषयों विच। ठीक है, मुढ़ली विद्या बारे नहीं कुछ भी लिखा हुआ। एमए की दो विषयों विच पढ़ाई एक पंजाबी ते दूसरी इतिहास हिस्ट्री दी एमए। ठीक है, एक पंजाबी दी ते दूसरी इतिहास दी। ठीक है, उस तो बाद विच पढ़ाई दे विच ही इन्होंने पीएचडी की, वो भी केदे विच की पंजाबी विच। पीएचडी पंजाबी विच। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बना लो, किता या कम। किरणा में केड़े केड़े? किता 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 या कम। ठीक है, इन्होंने अध्यापन किता पहला। अध्यापन मीन्स, हाँ जी, टीचिंग। अध्यापन
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਟਾਈਪ। ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ +1 +2 ਵਗੈਰਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜੀਕੇ ਟਾਈਪ, ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਥ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਡਰ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਡਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ HOD ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਨਾਟਕ ਵਿਭਾਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਗੋ ਥਰੂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, MCQs ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਗੀਟੜਾ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ,
शोभा शक्ति मुड़के दी, मुड़का किन कहते हैं, ओदी क्यों खुशबू, सीना ओदी क्यों खुशबू, सी ऐदा नहीं, मतलब उन्होंने हाँ हार्ड वर्क किया है, ठीक है ना, मेहनती है वो। हुन तुहानू की लगता बुक से नाम भी इदा दे सोच के रखा, बुक से नाम भी तो उन्होंने इदा दे हो ही सकते ना, जितों दी कोई मैसेज मिले, मतलब उन्हां लोगों ने कोई हार्ड वर्क किया होएगा। रत्ता सालू शोभा शक्ति कल अज ते पलक, पलक किनू कहते हैं, कल अज ते पलक फ्यूचर, हिंद दी चादर देख कबीरा रोया, मसीहा सूली ते मुस्कुराया, पंजाब दी इको मर्द राणी जिंदा, जीवन लीला सांझा राज सप्तऋषि काया कल्प अते पच्छम दा माया जाल आदि हले भी आदि, ठीक है, मतलब इन्हां दी बहुत सारी रचनावां ने, तो इन्हां नू एक बारी बेटा गो थ्रू जरूर हो जाइयो। कमियां पैन गियां, नो अदर ऑप्शन, पता कि वही तो एमसीक्यू, सानू लगता है कि एमसीक्यू दीदी ने, पर जिन्होंने अच्छे नंबर लेने ने उन्होंने तो हर एक चीज करनी पड़ेगी ना। पता की करियो, सपोज तुसी एमसीक्यू दी तैयारी देखो, चैप्टर दे विचों ते तो थानू सारा कुछ आंदा है, एक ना ऐसा बना लियो अगर तुहानू टाइम मिले, जिन्ने भी राइटर ने उन्हां दे जन्म ते माता पिता दा नाम कॉलम बनाई जायो, रचनावां दे नाम ते उन्हां नू केड़े केड़े पुरस्कार मिले, केड़ी केड़ी बुक्स ले मिले, ऐसा लर्न करोगे ना तो ईजी रहेगा, ठीक है। अगर मैनू टाइम मिलिया तो मैं ओदा कॉलम बना के सेंड कर देवांगी, जे टाइम मिलिया तां, आप ही करते रहे टाइम जे निकाल मिलिया तां, ए ना होवे खालू तुसी को मैम आपने सेंड ही नहीं किया। ओके नेक्स्ट पॉइंट बनाओ बेटा, पुरस्कार सेवंथ, पुरस्कार इन्हां नूं कल अज ते पलक लई साहित्य अकादमी दिल्ली ने पुरस्कार दिता, ठीक है। रचना का नाम है कल अज ते पलक, किन्ने दिता, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी दिल्ली। दिल्ली, नेक्स्ट है पुरस्कार, पुरस्कार दे विच्चे ही, ठीक है, ये पहला हुन दूसरा, भाषा विभाग पंजाब ने दिता, केड़ा श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार, इसके अलावा तीसरा इन्हों कि आपा कनेडा, ठीक है, ये पुरस्कार का नाम है वो कनाडा वालों दिता गया ना, ये आपा कनाडा फिर ये आपा पुरस्कार का नाम है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना ने
ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ? ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ 8 point ਦੇਹਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ, 12 April 2006। ਛੇ ਅੱਠ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,